हेलो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करनी है हमारे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज नंबर 1.5। ठीक है, तो इसमें हमें आज जो पढ़ना है वह है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के अंदर हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, इससे पहले हमने 1.4 किया था जिसमें हमने मैग्नीफिकेशन किया था। ठीक है, और हमने उससे पहले इरेशनल नंबर्स के बारे में समझा था, रूट वाले नंबर्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली मैंने बताया था कि आपको कि इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रूट वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमें उन्हीं रूट वाले नंबर्स का यहाँ पे ऑपरेशंस के अंदर इनकी प्लस, इनकी माइनस, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी डिवीजन, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। तो कब रूट वाले नंबर्स आपस में ऐड होते हैं, कब ये आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, कब मल्टीप्लाई होते हैं, कब डिवाइड होते हैं, इसके बारे में हमें इसमें समझना है। तो शुरू करते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपके रूट वाले नंबर्स होते हैं उनकी एडिशन। तो आपको याद रखना है कि हमेशा रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू है, सेम नंबर है, ठीक है, तभी वो आपस में ऐड हो सकते हैं। जैसे रूट टू प्लस में रूट टू, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स रूट 2। ठीक है, रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ये बन जाएगा 2 टाइम्स रूट 3। ठीक है, और ऐसी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कि जैसे मान लो मैंने लिखा 5 रूट 7 प्लस 3 रूट 7, तो ये बन जाएगा 8 रूट 7। ठीक है, पर अगर मैं एक तरफ लिख रहा हूँ 2 रूट 3 प्लस में लिख रहा हूँ मैं 4 रूट 7, तो अब ये आपस में इनमें कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये अब आगे ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ऐड होने के लिए क्या कंडीशन है इनके बीच में कि रूट के अंदर हमेशा सेम वैल्यू होनी चाहिए। रूट के अंदर सेम वैल्यू है तो वो आपस में जुड़ेंगी, और रूट के अंदर सेम वैल्यू नहीं है तो वो आपस में नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, तो आप ये जो रूट के अंदर वैल्यूज है उनको आप मतलब समझिए कि एक तरह से वेरिएबल है, कि अगर आप जैसे इक्वेशन में ऑपरेशंस करते हैं, तो अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई, तो क्या आप कभी x में y जोड़ पाते हैं, जोड़ सकते हैं इसको? ठीक है, तो x में y आप नहीं जोड़ सकते। मैं x में x बोलूँगा तब तो आप जोड़ के 2x लिख दोगे। ठीक है, मैंने अगर बोला x प्लस x कितना होगा तो आप लिख देंगे 2x, पर x प्लस y लिखूँगा तो आप उसको आगे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि हमें सेम वेरिएबल आपस में जोड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम सेम रूट के अंदर सेम डिजिट होंगे तभी इनको जोड़ सकते हैं, रूट में सेम डिजिट नहीं होंगे तो हम इनको नहीं जोड़ सकते। जैसा कि यहाँ पे रूट टू आपस में जुड़ जाएंगे, रूट थ्री आपस में जुड़ जाएंगे, रूट सेवन आपस में जुड़ जाएंगे, पर अगर एक तरफ रूट थ्री है, एक तरफ रूट सेवन है, ऐसा कुछ भी है, जरूरी नहीं है यही डिजिट, और भी कोई सी भी डिजिट है, तो वो आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है ना, इनके जुड़ने के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि इनके रूट के अंदर हमेशा सेम वैल्यू होने चाहिए। ठीक है, तो रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट टू, ऐसे ही मैं अगर रूट टू के आगे ऐसा 3 रूट 2 लिख दूं और इधर लिख दूं 5 रूट 2, तो ये बन जाएंगे 8 रूट 2, ऐसा कुछ भी। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पे प्लस में हो रही है वही चीज़ इसमें माइनस में भी होती है। ठीक है, अगर हम माइनस करें तो कैसे होगा, यहाँ माइनस का भी सेम रूल है कि रूट के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए तभी वो आपस में माइनस होंगे, रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू नहीं है तो वो आपस में माइनस नहीं होंगे। जैसे अगर मैंने लिखा 5√3 − 2√3, तो रूट के अंदर सेम वैल्यू है तो ये माइनस हो जाएगा 3√3। ठीक है, पर अगर मैं लिख रहा हूँ 7√5 − 2√3, अब ये माइनस नहीं हो सकते और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके रूट के अंदर सेम वैल्यू नहीं है। जब रूट के अंदर सेम नंबर नहीं होंगे तो ये आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते, जब रूट के अंदर सेम वैल्यू होगी तभी आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं।
ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिखूं माइनस का 3 रूट 7 प्लस में 8 रूट 7, कुछ ऐसा लिखा, तो पहले माइनस और बाद में प्लस, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 8 में से ही 3 घटाना है, तो यहाँ पे 5 रूट 7 बन जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ -√3 और माइनस का 7√3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, तो ये सब चीज़ें तो आपको आती हैं कि दोनों माइनस के होते हैं तो क्या होता है भाई, तो ये ऐड होंगे पहले, पर इनके आगे साइन किसका होगा, माइनस का। कि मान लो आपके पास ये कोई एक चीज उधार है, ठीक है ना, आपके ऊपर एक चीज उधार है और आपने 7 और उधार ले लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8, तो ए बन जाएगा 8 रूट, माइनस का 8√3, ठीक है ना, तो दोनों माइनस के हैं इसलिए माइनस लगा और आप उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। रूट के अंदर सेम वैल्यू रहती है, बस उनके बाहर की डिजिट ऐड हो जाती है, और हमेशा याद रखना इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो ये इसके आगे क्या होगा, 1, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, 1। यहाँ पर भी जहाँ पे भी मैंने यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा है तो इनके आगे क्या है, 1 है, सबके आगे 1 है, ठीक है, जहाँ पे भी कुछ नहीं है, बाकी इधर 5 तो दिख ही रहा है, इधर 3 दिख रहा है, जब भी ये 1 है तो हमने 1 और 1 जोड़ के यहाँ पे बाहर 2 लिखा, ठीक है, पर उसे हम लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है कि इनके आगे 1 है, इसीलिए हम इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में यही होता है कि जब रूट के अंदर दोनों सेम वैल्यू होती है तभी वो आपस में ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। तो जब रूट में सेम वैल्यू होंगी तभी वो ऐड होंगी, और जब रूट में सेम वैल्यू होंगी तभी वो सब्ट्रैक्ट होंगी। जब रूट में अलग अलग वैल्यूज होंगी, इधर 3 था इधर 7, और यहाँ पे भी हमने जैसे लिया था इधर 5 इधर 3, तो वो ना ही प्लस हो सकते हैं आपस में ना ही माइनस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऊपर, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा प्लस और माइनस के बारे में, इसके आगे आ जाते हैं हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में। मल्टीप्लाई की बात करें तो अभी तक हमने जो सीखा कि रूट के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई और डिवाइड में अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ये चीज़ जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें रूट के अंदर कोई सी भी वैल्यू हो हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2√3 और मल्टीप्लाई में लिखूँ 3√7, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको क्या याद रखना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपको याद रखना है कि रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको बस यही याद रखना है कि रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से होगा और अंदर वाला अंदर वाले से होगा। तो बाहर वाले को करोगे तो 2 3 जा 6, ठीक है, और रूट के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऐसे होते हैं इनकी कि रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। मैंने लिखा -3√7 इंटू 5√11, तो यहां भी वही होने वाला है, रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले नंबर से माइनस का 15 और रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से 77। अगर मैंने लिखा 2√8 मल्टीप्लाई में माइनस का 3√2, ये लिखा मैंने, ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो क्या करेंगे, फिर से वही बाहर वाले को बाहर वाले से, 2 को 3 से करोगे 2 3 जा 6, माइनस का 6, अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8 2 जा 16, 8 2 जा कितना होता है 16। पर यहाँ पे हमें देख के एक बात पता चल जानी चाहिए कि 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो इस 16 को मैं 4 × 4 भी लिख सकता हूँ, और ऐसा करने से क्या होगा कि ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो हम इसको एक स्टेप में और लिखें कि ये रूट के अंदर 4 का स्क्वायर है,
फिर स्क्वायर से रूट काट सकते हैं और माइनस का 6 × 4, और आंसर आ जाएगा माइनस का 24। तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहीं मल्टीप्लाई करने के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं आ रहा। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा हो तो आप उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट से बाहर निकालेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए हम इनको बाहर नहीं निकाल रहे। पर अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम उसको रूट से बाहर निकालेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और कराता हूं। जैसे मैंने लिखा, मैंने ये लिखा, ठीक है, 3√8 × 7√3। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 3 × 7 = 21, 8√3 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, 8√3 √24। पर हमें पता है कि जो 24 होता है वो 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 4 × 6 = 24, और ये जो 4 होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें से 2 को बाहर निकाल सकता हूँ और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 6। ये 4 कैसे बाहर आया, ये 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है और रूट के अंदर 4 का मतलब है रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, और ये 2 से ये इसे स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा। तो रूट 4 जो होता है 2 होता है, इसीलिए ये 4 बाहर आके क्या बन गया, 2। अब ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 42√6। तो आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी, जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट स्क्वायर बने तभी हमें इसे बाहर निकालना है। हो सकता है कि उसका एक फ्रैक्शन जो अंदर बन रहा है उसका एक फ्रैक्शन परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम उसको भी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनका एक फ्रैक्शन जो था, यानी कि 24 आया, 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जिसमें से 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ये ले लेते हैं, ठीक है, −5√8 × −3√6। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, रूट के बाहर वाला 5, रूट के बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 3 = 15, और अंदर कितना आ जाएगा, 8 × 6 = 48। ठीक है, तो अब ये जो 48 होता है, 48 किस में आ सकता है, हमें ये पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 15 × 16³। ठीक है, ठीक है, 16 × 48 होता है। तो और ये 16 किसका स्क्वायर होता है भाई, ये 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो इसलिए इसमें से मैं 4 को बाहर निकाल सकता हूँ और ये रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 3, और ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 60√3। तो ये हमारा आंसर। तो ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनके अंदर ये पूरा खुद तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका एक फ्रैक्शन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम उस फ्रैक्शन को ढूंढ के उसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे करके हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस थे, अब हम करते हैं इसके डिवाइड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो डिवाइड में भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो अभी मल्टीप्लाई में था। जैसे मल्टीप्लाई में क्या था कि रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट के बाहर वाला नंबर रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही आप सेम टू सेम डिवाइड में भी करते हैं। अगर मैंने लिखा 5√20 /
थ्री रूट फोर या थ्री रूट सॉरी एट कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फाइव रूट ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थ्री रूट एट आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फाइव अपॉन थ्री तो डिवाइड होगा नहीं, मतलब फाइव अपॉन थ्री रह जाएगा। अब रूट ट्वेंटी को एट से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि फोर के टेबल में ये टू बार में आता है और फोर के टेबल में ये फाइव बार में आता है, तो ये बन जाएगा फाइव बट फाइव अपॉन थ्री अंडर रूट फाइव अपॉन टू, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड और अंदर वाले को अंदर वाले से डिवाइड। ऐसे ही हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा डायरेक्ट मैं डिवाइड के लगा रहा हूं, ठीक है। हमने कुछ ऐसा लिखा तो ये क्या बन जाएगा, बाहर वाले से डिवाइड, अंदर वाले से डिवाइड। तो सीधा फोर के टेबल में कितनी बार में आता है, 24, सिक्स बार में, ठीक है। और रूट सिक्स को से काटेंगे रूट एटीन को, तो सिक्स थ्री जा 18, तो ये आंसर आ गया सिक्स रूट थ्री। तो डिवाइड मल्टीप्लाई सबके अंदर सेम टू सेम तरीके से होगा कि रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई भी होता है और डिवाइड भी, ठीक है। और रूट के अंदर वाले को रूट के अंदर वाले से ही करना पड़ता है। और इसमें भी वो चीज़ें होती हैं जो मल्टीप्लाई में होती हैं कि इनमें से भी एक कई बार ऐसा हो जाता है कि डिवाइड करने के बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा तो आपको पता है कि भाई ये 7 अपॉन 2 तो डिवाइड नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, पर जब आप 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर क्या बचेगा, 4। और रूट के अंदर जो 4 होता है तो ये रूट 4 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यानी 7 अपॉन 2 इंटू में 2, और 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, 7। तो यानी कि ये जो 4 था वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो मैंने इसकी जगह 2 लिख दिया और 2 से नीचे वाला 2 कट गया तो आंसर 7। तो अगर डिवाइड करने के बाद भी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तो हम उसे रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होती है और डिवाइड में भी। तो आई होप आप लोगों को ये मल्टीप्लाई और डिवाइड समझ में आ गई होगी। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के अंदर। तो शुरू करते हैं हम अपने एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 में कह रहा है चेक वेदर, आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं जैसे कि आपको दिख रहे स्क्रीन पे, ये इनको बताना है कि ये इरेशनल है या रैशनल है, ठीक है ना, इरेशनल है या नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या आपका है इसमें, 7 रूट 5, ठीक है, 7 रूट 5 आपको बताना है कि ये इरेशनल है या नहीं, ठीक है। हाँ तो आप बताएं कि ये इरेशनल है या नहीं है, ठीक है। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि एक इरेशनल नंबर है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आप इरेशनल नंबर में देखेंगे, हमने रैशनल इरेशनल सबके बारे में पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं ये नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। साफ सीधी सी बात है कि रैशनल के बारे में हमने पढ़ा है जो पी अपॉन क्यू में हम जिसे डिनोट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और मैंने इसके बारे में आपको दूसरी बात ये भी बताई थी कि ये इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, रूट वाले नंबर्स, पाई, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। एक्चुअल में ये भी इनकी जो वैल्यू होती है, इन दोनों की वैल्यू भी यही होती है, ठीक है, इनकी वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर ही होती है। इसलिए ये सारे के सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं हम कह सकते हैं, अगर हम इनको पॉइंट में रूट में जो भी वैल्यू होती है उनको पॉइंट में निकालें और पाई की जो वैल्यू होती है उसको भी पॉइंट में निकालें, तो दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स ही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, और हम इनको पहचान कर सकते हैं, हम इनको रूट से पाई और इससे पहचान सकते हैं, ठीक है।
अब मैं कुछ बातें बता दूं आपको कि कभी भी हम अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, रैशनल नंबर में कभी माइनस करते हैं इरेशनल नंबर, ये उल्टा भी है, ये वाइस वर्सा भी, कि इरेशनल नंबर में रैशनल एक ही बात पड़ जाती है कि दोनों रैशनल में इरेशनल जोड़ो या इरेशनल में रैशनल जोड़ो, एक ही चीज है, रैशनल में इरेशनल घटाओ या इरेशनल में से रैशनल घटाओ, दोनों से हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अब अगर हम रैशनल की मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से, ठीक है, रैशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर से, तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, और रैशनल नंबर की हम डिवाइड करें अगर इरेशनल नंबर से तब भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सब में। ठीक है, अगर एक रैशनल और एक इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, हाँ अगर दोनों इरेशनल हो तब थोड़ी बात अलग हो जाती है, कि अगर आप इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ रहे हैं तो आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटा रहे हैं तब भी आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, पर जब आप इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से करते हैं ना तो आपको रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, और अगर आप इरेशनल नंबर की डिवाइड इरेशनल नंबर से करते हैं तब भी आपको रैशनल मिल सकता है या इरेशनल मिल सकता है। अब ये जो हमने लिखा इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो आप कोई सा भी नंबर लेके देख लीजिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल को पुट करके देख लीजिए, आपको हमेशा यही मिलेगा, एक रैशनल और एक इरेशनल को जोड़ते हैं, अगर मान लो मेरे पास रैशनल नंबर है 2 और इरेशनल नंबर है √3, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो क्या ये जुड़ जाएंगे, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे और ये बस ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि ये आप ये कैसा नंबर है, ये रैशनल है या इरेशनल है, तो आप बोलेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज कैसे हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल है, तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि मैं अगर √3 की वैल्यू, ये √7 के √3 की वैल्यू 1.732 और ऐसे चलती रहती है आगे तक, ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा 3.732, ऐसे चलता रहेगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। तो क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही रहेगा इसलिए ये एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो चाहे हम इसमें प्लस कर रहे हैं तो ये तब भी इरेशनल है, अगर मैं इसमें से घटा देता, अगर मैं इनको माइनस कर दूं 2 में से √3, तो 2 में से 1.732 ऐसे इरेशनल नंबर माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 पॉइंट, अब देखेंगे पॉइंट के बाद तो आगे बहुत सारी जीरो होंगी, ठीक है, तो हम पीछे से घटाते हुए आएंगे तो हमें तो पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं कहाँ तक घटेगा ये नहीं पता, पर हमेशा घटती रहेगी वैल्यू, और जैसे 10 में से 2 गया 8, 3 फिर 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 7 गया 2, और ऐसे आगे और भी वैल्यूज हैं जो कि चलती रहेंगी, यानी कि ना ही प्लस करने में और ना ही माइनस करने में ये वैल्यू हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर बनी रहेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ने पे इरेशनल नंबर ही आता है, और यही चीज माइनस करने पे भी आता है। अब मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही होता है कि भाई ये 7 से अगर हम √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, √5 की वैल्यू 2.3 समथिंग होती है और आगे चलता रहता है, ठीक है, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करने पे भी वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर ही बना रहेगा, इसलिए ये भी एक इरेशनल आएगा, और डिवाइड करने पे भी वही होता है कि डिवाइड आप किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की फॉर्म में रहेगा, इसलिए वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। यहाँ पे
इरेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो इरेशनली, जैसे रूट टू में रूट थ्री जोड़ दो, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, और ऐसे दो नंबर को जोड़ोगे तब भी आंसर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर ही आएगा। चाहे तो आप करके देख लेना, इनकी वैल्यूज खोल के आप इनको ऐड करके देख लेना, कभी भी रिपीट नहीं होगा। और सेम टू सेम जब हम माइनस करते हैं तब भी कंडीशन बदल जाती है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो मैं ये इसको आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो इससे पहले अभी हम थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड समझ रहे थे रूट वाले नंबर्स का, तो ये चीज़ शायद वहीं पे प्रूव हो गई थी कि कई बार मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कि हम दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बन जाती है, और जब ऐसा होता है तो वो रूट से बाहर निकल के आ जाता है, यानी कि वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पे कंडीशन दोनों हो सकती है कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या तो एक इरेशनल ही आएगा, या तो अगर उसके अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया तो वो रूट से बाहर आ जाता है। जैसे कि हमने समझा था, अगर मैं रूट टू की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट थ्री के साथ तब तो रूट सिक्स आएगा, ठीक है, पर अगर मैं रूट टू की मल्टीप्लाई रूट एट के साथ कर रहा हूँ तो रूट सिक्सटीन बन जाएगा, और रूट सिक्सटीन जो होता है वो फोर का स्क्वायर होता है, इसलिए फोर बाहर आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमने दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो एक रैशनल नंबर आ गया। ये कैसा नंबर आ गया? ये एक रैशनल नंबर। और यहाँ पे कैसा आ गया? इरेशनल नंबर। यानी कि दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करने पे रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। और सेम टू सेम चीज हमने डिवाइड में भी सीखी थी, डिवाइड में भी वो रूट से बाहर आ सकता है। तो डिवाइड के कंडीशन में भी एक दो इरेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करने पे रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आता है, ठीक है। और बात रही अगर दोनों ही रैशनल हो तो वो तो सिंपल सी बात है, चाहे आप रैशनल में रैशनल को ऐड करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। इस बात का आपको हमेशा याद रखना है। तो इसी के बेसिस पे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें लिख लेना। इसी के बेसिस पे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा, तो आप बिना देर लगाए एक सेकंड में इसका आंसर बोल सकते हैं कि 7√5 कैसा नंबर है, ये रैशनल है या इरैशनल है। तो अभी आपने सीखा था कि एक रैशनल नंबर एक इरैशनल नंबर की मल्टीप्लाई होने पर हमेशा एक इरैशनल नंबर ही आता है, इसलिए ये एक तरह का इरैशनल नंबर है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है ना, आप पूरा। मैं इतनी देर से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमने पिछली क्लासेस में भी इनको लिखा है, ठीक है ना। तो आप सीधा इन पे ध्यान दीजिए कि मैंने IR का मतलब क्या है यहाँ पे, इरेशनल। आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, जब एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे कि भाई ये कौन सा नंबर है, तो इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके अलावा अगला पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट, 7/√5। तो अभी मैंने बताया चाहे रैशनल की मल्टीप्लाई करो, रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करो, चाहे रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करो, अभी भी क्या आएगा, ये इरेशनल नंबर। ये भी एक तरह का क्या है, इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट दे रखा है रूट टू, रूट टू प्लस 21। अभी बताया मैंने एक इरेशनल नंबर को रैशनल में जोड़ोगे तो आंसर एक इरेशनल नंबर ही आएगा। चाहे तो आप यहाँ पे लिख देना कि जैसे एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई में एक इरेशनल नंबर, तो आंसर भी एक क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। यहाँ पे लिख देना रैशनल नंबर डिवाइड बाय इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। फिर देखा रखा है पाई माइनस टू, पाई एक इरेशनल नंबर है, माइनस में रैशनल नंबर है टू, तो इरेशनल में से रैशनल माइनस करोगे तब भी इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसी के साथ ये वाला एग्जाम्पल हमारा हो जाता है जिसमें हमें पूछा गया कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो अभी अभी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, इनके बेसिस पे हमने इनको कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि हमें ऐड करना है किसे, 2√2 प्लस 5√3 एंड रूट टू माइनस 3√3, इन्हें ऐड करना है।
तो हमें पता है अगर ऐड करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इनके बीच में ये एंड हटा के प्लस का निशान लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि हम रूट के अंदर जब सेम नंबर्स होते हैं तभी उनके बीच में प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो हमें इनमें ये देखना है कि रूट के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें रूट के अंदर 2 है और इसके अंदर भी √2 है, तो आपस में ऐड ये दो हो सकते हैं। इसमें √3 है, इसमें √3 है, तो ये भी ये दो आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। तो √2 में √2 जुड़ेगा और 5√3 -3√3 होगा, तो 2√2 + √2 बन जाएगा 3√2, और 5√3 - 3√3 बन जाएगा 2√3, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, सेम रूट के अंदर सेम नंबर्स वाले के ही आपस में प्लस या माइनस का ऑपरेशन हो सकता है। तो इन दोनों का भी आपस में प्लस हो गया, और क्योंकि ये माइनस था इसलिए 5√3 में से हमने 3√3 को माइनस कर दिया और आंसर हमारे पास बचा 2√3। अब इसी के बेसिस पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 भी है, पर उसमें हमारे हमें मल्टीप्लाई करना है, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है बाय 2√5, ठीक है। 6√5 और 2√5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हमने सीखा था सबसे पहली बात, तो ये बाय हटा के इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। और मैंने बताया था आपको कि रूट के बाहर वाले नंबर को रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, रूट के अंदर वाले नंबर को रूट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा क्या आ जाएगा 12, और √5 को जब √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो √5 के अंदर ऐसे पेयर बन जाएगा, और आपको पता है कि जब ये पेयर बन जाता है तो ये बाहर निकल के आ जाता है, और बाहर निकल के आ जाता है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और 12 12 और 5 की मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा 60, ठीक है। अब एक और है एग्जाम्पल इसी के बेसिस पे, एग्जाम्पल नंबर 15, जिसके अंदर हमें डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड 8√15 को डिवाइड करना है बाय 2√3, ठीक है। इनको डिवाइड करना है, तो 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से, तो 8√15 को ऐसे ऊपर लिखेंगे, 2√3 को ऐसे नीचे लिखेंगे, और मैंने आपको बताया था रूट के बाहर वाले नंबर को रूट के बाहर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और रूट के अंदर वाले नंबर को रूट के अंदर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 3 से 15 को करेंगे तो आएगा 5, तो आंसर बन जाएगा 4√5, ठीक है। तो आंसर ये आपका आ चुका है। तो इसी के बेसिस पे अब हम और आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पहुंचने के लिए हमें पहले कुछ आइडेंटिटीज को देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम ये ठीक है आइडेंटिटीज पढ़ते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं ये भी एक तरह की वही आइडेंटिटीज है, बट हम इनको रूट रूट वाली की आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो रैशनल नंबर के लिए अगर इनको करते तब भी ये वही रहती हैं, ठीक है। पर अभी हम इनको इरेशनल नंबर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी में इनको आप सर्व समीकाएं बोल सकते हैं, ये वही सर्व समीकाएं हैं जो आप परिमेय संख्या के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले है कि अगर रूट के अंदर कोई दो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, रूट ए बी का मतलब है रूट ए इंटू बी, रूट के अंदर इसका मतलब क्या है, रूट ए इंटू में बी, तो आप इनको अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ए डॉट रूट बी, या इनके बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, जो चीज मल्टीप्लाई के लिए हो रही है वही चीज डिवाइड के लिए, कि रूट ए अपॉन रूट बी को आप लिख सकते हैं, तो डिवाइड में भी ऐसे होता है, रूट ए अपॉन बी को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी थर्ड आइडेंटिटी पे, इसमें है रूट ए प्लस बी, रूट बी
इंटू रूट ए माइनस रूट बी। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर यहाँ पे ये ए और बी नहीं है, ये रूट ए और रूट बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आंसर आएगा ए माइनस बी, यानी कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बन जाता है ए माइनस बी। अब अगर एक नंबर रूट में है और एक नंबर रूट में नहीं है, तब कि ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। तो अभी हमने आइडेंटिटी देखी, एक्चुअल में आइडेंटिटी वही है, बस हमने रूट के लिए बोला है तो बस लगा रहे हैं हम। पर आप इसको ना भी सीखें, अगर आपको वो वाली आइडेंटिटी आती है पहले से ही कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये चीज़ आपको पहले से ही पता है तो आपको वैसे इन चीज़ों की खास ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ भी वही लगने वाला है, ए स्क्वायर माइनस में रूट बी का स्क्वायर। आइडेंटिटी वही लग रही है जो हमारी पहले वाली बेसिक आइडेंटिटी है, ठीक है। ए का ए के ऊपर तो रूट नहीं था तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, पर इसके ऊपर रूट है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, माइनस में हो जाएगा बी। तो ये आ गया ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। अब अगली आइडेंटिटी, वैसे तो ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है पर हम लिख लेते हैं, ये एक नॉर्मल मल्टीप्लाई है कि रूट ए प्लस रूट रूट बी इंटू में रूट सी प्लस रूट डी क्या होता है, ये होता है रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। यानी कि एक बार इससे दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर एक बार सी के साथ आएगा, एक बार डी के साथ आएगा, और जब आप बी के साथ करोगे तो एक बार ये सी के साथ आएगा और एक बार डी के साथ आएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, अगर नहीं दिख रहा तो ये बनेगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, ठीक है। नेक्स्ट और हमारी लास्ट आइडेंटिटी कि अगर रूट वाले नंबर्स का होल स्क्वायर आ जाए, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये बनता है ए प्लस में 2√ab प्लस बी। अरे यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, रूट ए हमने आइडेंटिटी सीखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर यहाँ पे ये रूट है तो रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए आ जाएगा और रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी आ जाएगा, और ये दोनों रूट में थे तो रूट के अंदर आ गए दोनों एक साथ, ठीक है। तो बस ये हमारी आइडेंटिटीज थी, वैसे तो ये आइडेंटिटीज कुछ भी नहीं है, ये वही आइडेंटिटीज हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हैं, ठीक है, 8th क्लास में। तो उन्हीं के बेसिस पे बस इनको रूट वाली आइडेंटिटीज बना दी, पर ये एक्चुअल में है वही। इसके बेसिस पे अब हम एग्जाम्पल नंबर 16 करते हैं। तो हम अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 16 पे। अब एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, जिसका पहला पार्ट है 5 प्लस में रूट 7 इंटू में 2 प्लस में रूट 5, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई होनी है, बीच ये ब्रैकेट्स में है तो ये मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो आपको पता है कि भाई ये ऐसे दो दो जब आपस में सम होते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस होता है यहाँ माइनस लगाते हैं, फिर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे को, ठीक है। अब 2 को 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,
और 5 को रूट 5 से करेंगे तो 5 रूट 5, क्योंकि ये रूट से बाहर वाला है, ये रूट के अंदर अंदर है। फिर 2 से रूट 7 को करेंगे तो 2 रूट 7, और रूट 7 से रूट 5 को करेंगे तो रूट का 35, ठीक है। और इसमें अब देखना है कि रूट के अंदर कोई सेम वैल्यू है तो वो ऐड या माइनस हो जाएंगी, पर हम देख सकते हैं यहाँ रूट के अंदर 5 है, यहाँ रूट के अंदर 7 है, यहाँ रूट के अंदर 35 है, कहीं पे भी रूट के अंदर सेम वैल्यूज नहीं है, इसलिए ना ही ये प्लस हो सकती हैं और ना ही ये माइनस हो सकती है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट है हमारा 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, ठीक है। तो अभी हमने समझा था आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी कौन सी लग रही है इसमें, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे भी 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5 क्या बनेगा, ये बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि रूट 5 जो है स्क्वायर से बाहर निकल के 5 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस का 5, तो आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, हमें इनको प्लस करना, इनका होल स्क्वायर निकालना है। तो अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस में बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर भी रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर जो है बराबर हो जाएगा 3 प्लस में 2 रूट में 3 इंटू 7 प्लस में 7, तो 3 और 7 ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 प्लस में 2 रूट 21, 3 7 जा 21। अब कई महान बच्चे होते हैं जो इनको ऐड कर देते हैं कि 2 और 10 ऐड होके 12 बन गया, 12 रूट 21 बना देते हैं इसे, पर नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ये आंसर नहीं है, ठीक है। आंसर आपका यही है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर है, एक आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर बोल लो या नेचुरल नंबर बोल लो, ठीक है। तो एक तरह का ये रैशनल नंबर है, ठीक है, पर ये वाला जो है आपका इरेशनल नंबर है, रैशनल और इरेशनल। तो मैंने आपको बताया था ये रैशनल और इरेशनल कभी भी आपस में ऐड नहीं होते, ये इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इरेशनल नंबर के साथ, तो ये अलग है और ये अलग, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, ना ही ये आगे जुड़ेगा ना कुछ होगा इसमें, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे, कई बार लोगों को आंखों का धोखा हो जाता है और ये इनको ऐड करके बगल में 21 लिख देते हैं, पर ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा लास्ट पार्ट बच जाता है इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट है रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7, तो यहां भी आइडेंटिटी वही लग रही है, ए माइनस बी, या हम रूट में कह सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, ये बनता है ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7 इज इक्वल टू 11 माइनस 7, और आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला एग्जाम्पल भी हो गया। इससे आगे अब हमें रैशनलाइजेशन समझना है, पर उसको हम एक्सरसाइज के दौरान समझेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा देता हूँ, एक्सरसाइज 1.5 हम स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपका वही है जो हमने एग्जाम्पल में किया था, कि इसके अंदर भी आपको बताना है कि ये नंबर जो हम लिख रहे हैं वो इरेशनल है या रैशनल, ठीक है ना, रैशनल है या इरेशनल ये बताना है। तो जिसका पहला पार्ट है 2 माइनस रूट 5, ठीक है, 2 माइनस रूट 5, तो
क्या 2 माइनस रूट 5 एक रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि आप अगर एक रैशनल नंबर में से इरैशनल नंबर को घटाते हैं तो आपका आंसर भी इरैशनल नंबर रहता है, इसलिए ये नंबर भी एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड है 3 + √23 -√23। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 + में √23 और ये माइनस का √23 आपस में घट जाते हैं और कट जाते हैं, ये क्योंकि √23 और √23 दोनों रूट के अंदर सेम वैल्यू, तो ये आपस में माइनस हो सकते हैं और आपका लास्ट में आंसर बचता है 3। इसीलिए ये आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई इरेशनल फॉर्म नहीं बची, तो ये आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका 2√7 अपॉन में 7√7। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि रूट सेवन से रूट सेवन कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 2/7 जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और लास्ट जो है, सॉरी फोर्थ जो है वो हमारे पास है 1/√2। तो क्योंकि आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर भी एक इरेशनल नंबर आएगा, तो ये भी एक तरह का इरेशनल नंबर है। और लास्ट में बोल रहा है 2π, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है और 2 एक रैशनल नंबर है, आप एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर इरेशनल नंबर रहता है, इसलिए यहाँ पे भी एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एग्जाम्पल से मिलता जुलता है, जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 15 किया था शायद या 16 किया था, कि जिसके अंदर आपको इन्हें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 3 + में √3 इंटू में 2 + में √2, इसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि पहले 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 3√2, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2, अब 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, और जब √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। अब किसी भी रूट में सेम वैल्यू नहीं है, इसलिए ये ऐड नहीं होंगे और ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा और यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो देख के ही पता चल रहा है कि ये आइडेंटिटी लग रही है, a + √b, a - √b, तो ये बन जाएगा a² - b। तो यहाँ पे आ जाएगा 3² - 3। ठीक है, तो 3² 9 - 3, तो कितना आएगा 6। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसके आगे दो पार्ट और हैं। तीसरा पार्ट कह रहा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √5 + √2 का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी है √a + √b का होल स्क्वायर बनता है a + 2√ab + b। ठीक है, तो ये बन जाएगा √5 + √2 का होल स्क्वायर बराबर 5 + 2, रूट के अंदर 5 × 2 + 2, तो ये 5 और 2 ऐड होकर कितना बन जाएगा 7, और ये 2 रूट के अंदर 5 × 2 = 10। ठीक है, तो ये ए आ गया, ये बी आ गया, ऐड हो जाएंगे और 2√ab इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो √10 आ जाएगा। लास्ट पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट है √5 - √2 एंड √5
प्लस रूट टू, ठीक है। तो इनको आपको देख के पता चल रहा है आइडेंटिटी, रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, और जब भी ऐसा होता है ये बनता है ए माइनस बी, तो यहाँ पे बन जाएगा रूट फाइव माइनस रूट टू रूट फाइव प्लस रूट टू बनेगा फाइव माइनस टू, और आंसर आ जाएगा आपका थ्री। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अब अगले क्वेश्चन में कुछ नया करना है, तो इसको ध्यान से देखिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। तो आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। कि आपको कह रहा है कि जब भी पाई की वैल्यू कैसे निकलती है, पाई की वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि जो सर्कमफ्रेंस होती है ना किसी सर्कल की, सर्कमफ्रेंस ये रहा सर्कल और इसका सर्कमफ्रेंस ये रहा, ठीक है ना, ये इसका सर्कमफ्रेंस है। जब आप इसको इसके डायमीटर से डिवाइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी पाई की वैल्यू निकल के आती है। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगर ये बात सही है कि पाई की वैल्यू सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करके आती है, तो यहाँ पे तो देखने में एक रैशनल नंबर लग रहा है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम पी के अपॉन क्यू में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। पर हमने ये बात पढ़ी है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई एक कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर, और यहाँ पे ये देखने में लग रहा है रैशनल नंबर। तो कह रहा है ये बात कॉन्ट्राडिक्ट होती है कि यहाँ पे देखने में रैशनल लग रहा है पर है ये इरेशनल नंबर। तो आप इस चीज को कैसे रिजॉल्व करोगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये बात आप कैसे बताओगे। तो देखिए इस बारे में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये फ्रैक्शन वैल्यू में तो देखने में लग रहा है हमें कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे हम इसको पाई की वैल्यू हम कितनी लिखते हैं, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7। यहाँ पे तो देखने में ये रैशनल लग रहा है क्योंकि ये हम पी अपॉन क्यू में लिख पा रहे हैं, पर जब हम इसे चेंज करते हैं इसके पॉइंट वाले नंबर में, ठीक है ना, जब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है कि ये वैल्यू कभी सॉल्व नहीं होती। यानी कि अगर मैं इसको करूंगा तो ये डिवाइड होता चले जाएगा और कभी भी ये खत्म नहीं होगा, यानी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर बनेगा, ठीक है। और आपको पता ही है ये हमेशा आगे चलता रहेगा, ठीक है। ये कभी खत्म नहीं होगा और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो पाई इस तरीके से फ्रैक्शन में देखने में तो लगता है कि रैशनल है, पर जब हम इसकी पॉइंट में वैल्यू निकालते हैं तब वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है, कि ये फ्रैक्शन में तो पी अपॉन क्यू में तो बन जाता है, पर हम जब इसको पॉइंट में बनाते हैं, पॉइंट में लिखते हैं, तब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर बनता है। इस वजह से पाई एक इरेशनल नंबर होता है। अब इसके आगे हमारे दो क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर फोर, जिसके अंदर हमें रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, यानी कि रूट के अंदर एक पॉइंट वाला नंबर, ठीक है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमें रैशनलाइजेशन समझना है, और ये दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इनको करने में काफी टाइम लग सकता है। इसलिए अब इन दोनों टॉपिक को हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।